प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। कैसा हो? यदि सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद आपके अंग्रेजी में 20 से 25 नंबर बढ़ जाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं अपने 20 से 25 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस को झोंक दूंगा। करना कुछ नहीं है। देखो, अभी माना आप इन सारे सेक्शंस की तैयारी माना ऐसे 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 कर रहे हो, बस थोड़ा सा चेंज करके माना ऐसे ऐसे करने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब है आप अपने दिमाग से तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। और हाँ, सबसे खास बात, पहले समझ लो कि हमारी रणनीति है क्या, किसके लिए है। देखो, हमारा इंग्लिश का पेपर, मतलब 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, कोई भी बोर्ड हो, इन चार सेक्शंस में डिवाइड होता है, चार पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट है रीडिंग पार्ट, जिसमें अनसीन पैसेज होते हैं जिनमें से हमें आंसर निकालने होते हैं। हमारा सेकंड पार्ट होता है राइटिंग सेक्शन, इसमें कंपोजिशन से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल, स्पीच, नोटिस वगैरह। तीसरा सेक्शन होता है ग्रामर सेक्शन, जिसमें कुछ ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, जैसे नरेशन है, मॉडल्स है, पैसिव वॉइस है, सिंथेसिस है, क्लोजेज है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हमारे सिलेबस में सिंथेसिस नहीं है, कोई कहेगा हमारे में क्लोजेज नहीं है, तो भैया ये लमसम लगभग सभी बोर्ड्स के लिए है। भाई, किसी में ये होगा, किसी में ये होगा। जब कोई बच्चा कह सकता है कि हमारे में आर्टिकल स्पीच है, हमारे में पैराग्राफ नहीं है, तो लगभग ये सबके लिए है। और चौथा है बुक्स। बुक्स में आपको पता है दो बुक्स होती हैं, पहली बड़ी बुक होती है, दूसरी छोटी बुक होती है। पहली बुक में से पोएम्स भी होती हैं, इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, और पोएम्स में से क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेनेशन या एक्सट्रैक्ट वगैरह आते हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो हर सेक्शन के लिए मैं आपको 3 से 4 टिप्स बताऊंगा कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। और सबसे बड़ी बात, अंत में एक की टिप्स होगी, मतलब मेन टिप्स होगी, अगर आप उसको दिमाग में रख करके तैयारी करोगे तो निश्चित ही आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अनसीन पैसेज की, यानी रीडिंग सेक्शन की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, अनसीन पैसेज के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो, वो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो इसमें 3-4 बातें हैं। आप किसी भी अनसीन पैसेज की अगर तैयारी कर रहे हो या आपको एग्जाम में जाकर सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इससे आपका टाइम बचता है। क्योंकि देखो, अनसीन पैसेज में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन सभी बातों में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो माना कि देखो ये अपना अनसीन पैसेज है, ठीक है, इसमें 10, 12, 15 कितनी भी लाइन है। अब एक क्वेश्चन यहां से उठा लिया, एक क्वेश्चन यहां से उठा लिया, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, जब आप इनमें से ये अपने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है इस तरह से। जब पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना, क्वेश्चंस को पढ़ करके जब आप इसको रीड करते हो, तो जिस जगह पे, जैसे माना पहला क्वेश्चन यहां से निकला, तो उस जगह पे जाके आप थोड़े से चौकन्ने हो जाते हो, थोड़े सावधान हो जाते हो, सावधानी से पढ़ते हो, क्योंकि वह क्वेश्चन मैच हो रहा है, आपको क्वेश्चन यहां से निकालना है। तो इस जगह को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा बार बार पढ़ोगे, उसके बाद माना क्वेश्चन 2 यहां से निकला, तो इस जगह पे आते ही आपका दिमाग अलर्ट कर देगा, अरे यहां पे आंसर है, तो वहां पे आप थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, तो आपका टाइम बच जाएगा। कहने का मतलब है पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। नंबर 2 बात, अगला टिप्स है हमारा, आंसर हमेशा फैक्चुअल दो। फैक्चुअल मतलब सटीक, मतलब हिंदी में बोले तो सार गर्भित, मतलब जो पूछा है वही लिखो, फालतू चीजें मत लिखो। अगर आप फालतू चीजों में मिक्स करके आंसर को सर्व करते हो ना, तो कहीं ना कहीं समझ जाएगा, ज्यादा दम नहीं है, मतलब नंबर तो दे सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन आप उसके प्रति नेगेटिव हो जाते हो, मतलब आप में दम नहीं है, आप ग्रामर नहीं जानते हो, आप सेंटेंस का अरेंजमेंट नहीं जानते हो। चलो इस बात को एग्जांपल समझो, माना कोई पैसेज है वो गोलू के बारे में आया, मतलब मेरे दिमाग में गोलू आ गया, तो हालांकि गोलू का पैसेज नहीं आता, बट आप मान लो कि गोलू के बारे में आया। अब उस अनसीन पैसेज में गोलू की पूरी लाइफ स्टोरी है, गोलू की बायोग्राफी है, जिसको गोलू इस तरह से बोल रहा है, मेरा नाम गोलू था, मेरा जन्म तब हुआ था, मेरी मम्मी ये थी, पापा ये थे, मेरे भाई बहन, मतलब कुछ भी उसने पूरी लाइफ स्टोरी बता दी। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, माना उसमें एक लाइन आई, माय फादर मोतीलाल वाज एन एडवोकेट, और फिर पिता के बारे में कुछ बता दिया, फिर 3-4 लाइन निकल गई। उसके बाद फिर एक लाइन आई, माय मदर आशा देवी वाज एन हाउस वाइफ, ऐसे तो पिता कहीं है, 3-4 लाइन है, फिर मम्मी है। अब क्वेश्चन आया उसमें से, हु वर या वाट, ना चलो हु कर दो, हु वर गोलूज पेरेंट्स, गोलू के माता पिता कौन थे। अब देखो, सबसे पहली बात यह कि पेरेंट्स मतलब माता पिता, अब दोनों को पूछ रहा है, अब पिता का जिक्र आया है ऊपर और मम्मी का आया नीचे। अब यहां तक तो चलो आप पहुंच भी जाओगे कि भाई पेरेंट्स मतलब माता पिता होते हैं, तो मम्मी और पापा का नाम लिखना है। अब आप उस लाइन को लिख रहे हो कि कैसे, माई फादर, ये भी एक लेवल है, मतलब सी लेवल मान लो, ऐसे भी बच्चा करते हैं, क्योंकि लाइन से लाइन मिलाते हैं, तो उसमें लाइन तो आई है, भाई माई फादर मिस्टर मोतीलाल वाज एन एडवोकेट, मेरे पिता मोतीलाल एक एडवोकेट था, तो बच्चा सोचता है कि ले भाई मोतीलाल पूछा, मैंने लिख दिया, पर आपने लिखा इस तरह से। और दूसरी बात आपने लिखा, माई मदर आशा देवी वाज एन हाउस वाइफ,
अब देखो कहने का आंसर तो है कि पेरेंट्स कौन थे, तो मोतीलाल था और आशा देवी थी, और इस तरह से लिखा। तो सबसे पहली बात तो यहां तीसरा पॉइंट और डाल दो इसको, प्रोनाउन का ध्यान रखना, विशेष बात है, बहुत बड़ी बात है, सर्वनाम। अब देखो यहां पे पूछा है गोलू के माता पिता कौन थे, और आप पता क्या करो, मेरे पिता, वो पूछ रहा है गोलू के पिता, और तुम कह रहे हो माई फादर। भाई आपने तो लाइन से लाइन मिलाई ना, तो माई पता है गोलू का नहीं है, तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रोनाउन का ध्यान रखो, मतलब कोई भी ऐसा अनसीन पैसेज आए जिसमें नरेटर अपने आप को बताए, तो वो क्या बोलेगा, मैं, मेरा, मुझे, इस तरह के वर्ड आएंगे अनसीन पैसेज में। जब आप उनको क्वेश्चन में, मतलब आंसर में चेंज करो ना, तो ध्यान रखना आई माई मी को, ही हिज और हिम में चेंज करके लिखना, क्योंकि ही हिज में जब आप चेंज कर दोगे ना, तो नरेटर के ऊपर चले जाएंगे, मतलब गोलू, तो गोलू के लिए ही लिखो, ठीक है। अब गोलूज मतलब सेकंड फॉर्म में, तो हिज, तो यहां पे आप लिखो हिज फादर, मतलब इस तरह से नहीं लिखना है, पर बता रहा हूं कि प्रोनाउन तो ऐसे चेंज करने, मतलब कोई और लाइन आ गई, वो कह रहा है मैं दिल्ली गया, मतलब नरेटर कहां गया, लेखक कहां गया, तुम कह रहे हो आई वेंट दिल्ली, उसने तो पैसेज में ही लाया ना कि आई वेंट दिल्ली, लेकिन उसको ही वेंट दिल्ली लिखो, ही, आई को ही में चेंज करो, तो ये प्रोनाउन। हालांकि उस अनसीन पैसेज वाले वीडियो में मैंने सारी बातें क्लियर की हैं। तो हाँ, अब देखो आंसर तो है इसमें, अब प्रोनाउन को सीख गए, तो यहां पर हिज लिख दोगे। अब बेचारा टीचर क्या करे, आंसर तो है, नंबर दे भी देगा, पूरे तो नहीं देगा, क्योंकि अच्छी फैक्चुअल नहीं है, सारगर्भित नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, तो वो पूरे नंबर नहीं देगा, लेकिन आपकी पोल खुल गई, अब पकड़ में आ गए, अब तुम कॉपी में कितनी चार चांद लगा लेना आगे जाके, लेकिन तुमने अपनी पोल खोल दी कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं रट्टा मारूं, मैंने लाइन से लाइन उतार दी, और बस मैं पास होना चाहता हूं। तो ध्यान रखना हमेशा फैक्चुअल आंसर का मतलब होता है, आपको इस आंसर में लिखना है या तो हिज लिखो या फिर गोलूज लिखो, गोलूज पेरेंट्स नेम वर मोतीलाल एंड आशा देवी, गोलू के माता पिता थे मोतीलाल और आशा देवी, या फिर आप लिख सकते हो मोतीलाल एंड आशा देवी वर गोलूज पेरेंट्स, मोतीलाल और आशा देवी गोलू के माता पिता थे, ये है फैक्चुअल आंसर जो उसने पूछा, सटीक आपने यहां पे लिखा मम्मी और पापा का नाम सिर्फ ये चाहिए, ये है फैक्चुअल। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको पूरे नंबर तो मिलेंगे, लेकिन साथ में टीचर की राय आपके प्रति अच्छी हो जाएगी, तो ये होती है तैयारी, ये आप किया करो। तो काफी बातें हो गई, अब मैं आपको इसका की बता दूं, चाबी बता दूं, मेन पॉइंट की बात बता दूं, चौक कहाँ है, चलो अभी चल जाएगा काम। देखो इसका की यहां लिख देता हूं मैं, अब आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी कि भाई इसमें क्या करना है, कैसे फैक्चुअल होता है, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, क्वेश्चन क्यों पढ़ें और सही उत्तर कैसे दें पूरे नंबर, तो इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं। बहुत बुरी बात लग रही होगी सुनने में, क्योंकि पूरी साल आप इस बात को सुनते सुनते पक जाते हो, ये कर बेटा ये कर, बट एक बात बताऊं, टीचर है ना वो एक्सपीरियंस ही बोलते हैं, वो दमदार बात ही बोलते हैं, जब आप पेपर में जाने से पहले 4-5 अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लेते हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ पूरी संभावना है कि आपके अनसीन पैसेज में नंबर नहीं कटेंगे। अब देखो अनसीन पैसेज के बारे में आम राय क्या है, आम बच्चे क्या सोचते हैं, अरे आंसर तो उसी के अंदर है, निकाल लेते हैं, मैं उस दिन निकाल दूंगा। हाँ तुम निकाल दोगे, लेकिन नंबर बहुत सारे कटवा लोगे। ध्यान रखना इसमें भी कुछ पॉइंट है, इसमें भी बारीकियां हैं, कुछ पेज फंसे हैं, और वो पेज निकलते तभी हैं जब हम कम से कम घर पे 4 से 5 अनसीन पैसेज सॉल्व कर दें। मैं अपना निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं हर साल बच्चों से कहता हूं, लेकिन बच्चे नहीं करते और वो अनसीन पैसेज में नंबर कटवा लेते हैं, और अनसीन पैसेज सेक्शन ए में आता है सबसे पहले आता है, और सबसे पहले यही आपकी पोल खोल देता है कि आपको आंसर का अरेंजमेंट नहीं आता, आप टेंस को सेट नहीं कर रहे हो, वहां पे व्हाई डिड, मतलब व्हाई डिड ही वेंट टू, वह वहां क्यों गया, और फिर आंसर में आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो टेंस का भी एक अरेंजमेंट है, टेंस का अरेंजमेंट तो बहुत बड़ी चीज है, इस वीडियो में उसके बारे में लास्ट में फोकस कर दूंगा, ध्यान सुनना, वो आपके बहुत नंबर कटवाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको 4 से 5 अनसीन पैसेज सॉल्व करके देखने हैं, फिर आपको ये भी पता लग जाएगा, ये भी और बहुत सारी चीजें हैं। कई बार पता क्या होता है, लाइन से लाइन मिला दी, आंसर वहां है नहीं, आंसर है तो ऊपर रह गया या नीचे रह गया, ले भाई मिला लो लाइन। अब जब तुम ये खुद करके देख लेते हो ना, तो तुम्हारा खुद का विवेक दिमाग इस बात को कह देगा कि हाँ यार इसमें तो बहुत सारी बारीकियां हैं। तो बारीकियों तक पहुंचने के लिए आप एग्जाम से पहले 4 से 5 अनसीन पैसेज खुद सॉल्व करके देख लेना, और हाँ घड़ी और लगा लेना कि इसमें आधा घंटा जा रहा है या 1 घंटा जा रहा है, टाइम का पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब हर चीज थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है, ये भी बेचारा प्रैक्टिस मांगता है। अब बढ़ते आगे, और चलो बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन के माध्यम से वो आपकी राइटिंग स्किल देखता है, वो ये देखता है कि आप अंग्रेजी लिखना सीखे या ना सीखे। इसके जो मेन टिप्स हैं मैंने पहले लिख दिए ताकि टाइम खराब ना हो। देखो सबसे पहली बात है फॉर्मेट, यानी जैसे लेटर है इसका फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, स्टोरी का फॉर्मेट क्या है, पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या है, आर्टिकल स्पीच का क्या है, आपको हर चीज का फॉर्मेट आना चाहिए, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट के नंबर होते हैं, और आपका फॉर्मेट जितना साफ सुथरा है
जितना अच्छा है, जितना अच्छा विजिबल है, मतलब जो चीज़ें जहाँ चाहिए, जैसे लेटर में यहाँ सबसे पहले एड्रेस आता है, उसके बाद किसको लिखना है, सब्जेक्ट आता है, फिर सर, उसके बाद में लास्ट में योर्स फेथफुली, मतलब सारी चीज़ें सटीक, जो चीज़ जहाँ मांगे वहीं पे होनी चाहिए। अब इस पे आपको काम करना है, जैसे लेटर के फॉर्मेट बना के देखो एक दिन फटाफट, रिपोर्ट का देखो, नोटिस का देखो, ये देखो वो देखो, जो भी आपके सिलेबस में उसका फॉर्मेट आपका अच्छा जचना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे क्विक, सबसे जल्दी नंबर मिलते हैं राइटिंग सेक्शन में, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में जो आपका फॉर्मेट है ना वो अगर सही है और आपके वर्ड्स विजिबल हैं, उसके बाद दो चार बातें और हैं। वो बातें क्या है, वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि वर्ड लिमिट, जैसे कि लेटर आ गया तो मैं दो तीन पन्ने का लिखूंगा क्योंकि ज्यादा नंबर का आता है, रिपोर्ट है उसको दो पन्ने में लिखूंगा या फिर छोटी सी लिखूंगा, ऐसा मत करना। वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना, मतलब जो उचित है, मतलब जो वर्ड लिमिट दी गई है पेपर में उसके इर्द गिर्द ही आपको रहना, इसका बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान रखना। टेंस का विशेष ध्यान रखना, हालांकि ये चीजें सरसरी दृष्टि से पड़ जाती है, बट टेंस है ना वो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाता है, क्योंकि टेंस एक ऐसी गलती है जो सफेद झूठ, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं जानता। जैसे देखो अब लेटर है, ये प्रेजेंट टेंस में चलते हैं, भाई देखो लेटर में समस्याएं होती है कि भाई आपकी लाइब्रेरी की समस्या है, आपकी गली मोहल्ले में सफाई है, कुछ भी है, मतलब कोई ऐसा मुद्दा होता है, समस्या होती है, उसके सॉल्यूशन के लिए आप किसी अधिकारी को, अथॉरिटी को लेटर लिखते हो, तो समस्या तब भी है तो उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब प्रेजेंट टेंस में क्या इज एम आर है, हैज हैव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसी ऐसा, ये वर्ड दिखने चाहिए। आप उसमें दिखा रहे हो वाज वर, क्योंकि आपने देखो होता क्या है, बच्चे पूरी साल लेटर कौन सा आएगा, चार पांच लेटर रट लूँ इनमें से आ जाएगा का, इस तरह की बातें तो पूरी साल करेंगे, लेकिन इस जो ये जो हमारा सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, इसका मेन मकसद क्या है, इसके माध्यम से टीचर ये देखता है कि बच्चा अंग्रेजी लिखना सीखा या ना सीखा, थोड़ा इंग्लिश पे भी काम कर लिया करो, थोड़ा ये भी समझ लिया करो कि जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ इसमें टेंस करेक्ट है या नहीं, इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है सही है या नहीं। वास्तव में ये चीज़ होती है, और जो बच्चे इन पर काम करते हैं ना, नंबर उन्हीं के अच्छे आते हैं। तो टेंस का विशेष ध्यान रखना, जैसे लेटर है ये प्रेजेंट में आता है, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट में होती है, रिपोर्ट मतलब कोई घटना घटी उसके बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, तो ये हमेशा ही पास्ट में होती है। अब पास्ट का मतलब पास्ट टेंस में वाज वर्ब दिखना चाहिए, सेकंड फॉर्म दिखनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि वाज वर्ब हर सेंटेंस में वाज वर्ब लगा दिया, नहीं, वाज वर्ब सिंपल सेंटेंस में आएगा, टेंस और एक्शन वाले में जैसे पास्ट में एक्शन हुआ सेकंड फॉर्म आएगी, ये सारी चीजें हैं, सब पे वीडियो है। उसके बाद क्रिएटिविटी। अब देखो यदि आपका लेटर बिल्कुल सुंदर है, भाई आपने जो रटा वो आ गया, मौज हो गई आपकी, तो सबसे ज्यादा मौज इस बात पे होती है, बट ध्यान रखना वहां पे खतरा है। अगर आपके लेटर में क्रिएटिविटी नहीं है, एक दो मिस्टेक नहीं है, YouTube पे पहला टीचर जो ये बोल रहा है उसमें एक दो मिस्टेक नहीं है, तो फिर आपका लेटर रॉन्ग है, नंबर आपको मिल जाएंगे लेकिन टीचर पकड़ जाएगा कि या तो नकल किया या रटा है। टीचर एक बार बताओ, आप टेंथ में हो गए, ट्वेल्थ में हो गए, तो अगर आपका लेटर सही है या आपकी कोई भी चीज सही है, बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर मैं ये मान लूं कि आप 100% अंग्रेजी सीख गए, तो आप 100% कैसे सीख सकते हो, नहीं सीख सकते। तो कहने का मतलब है क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, उसमें आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, आपके, सरल बोलूँ, आपके बने हुए सेंटेंस दिखने चाहिए। तो कहने का मतलब है फॉर्मेट पे काम करो, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, टेंसेज का विशेष ध्यान रखना, टेंस की मिस्टेक सबसे ज़्यादा नंबर कटवाती है, क्योंकि साफ दिखती है कि बच्चा इंग्लिश नहीं जानता, वो कुछ नहीं सीखा। और क्रिएटिविटी का मतलब है खुद की लैंग्वेज थोड़ा देने की कोशिश करो। अब इसका की पॉइंट मैं लिख देता हूँ, इसका की पॉइंट है कि आप कोई लेटर लिख के देखो, किसी अननोन क्वेश्चन पे लेटर लिख के देखो। लेटर मतलब क्या है, रिपोर्ट लिख के देखो, मतलब लेटर तो एक सिंबल है, स्टोरी लिख के देखो, लिख के देखो, मतलब मैं बहुत अजीब सा टीचर हूँ, मैं सही बताऊँ मैं जड़ की बात कर रहा हूँ, जो जो टीचर चाहता है आपसे कि भाई आप अंग्रेजी सीखे ना सीखे, ये तो बहाने हैं कि आपसे ये करवाया, इन सब को करवाने के बाद आपकी जो कॉपी उसके सामने आएगी ना, उस कॉपी में वो ये देखना चाहता है, मतलब ऐसा सोचता नहीं है बट होता है कि आप अंग्रेजी सीखे या ना सीखे। तो आप एक लेटर लिख के देखो, आप एक रिपोर्ट लिख के देखो, जब आप ये करके देखते हो ना, तो आपको ये फॉर्मेट भी आपके दिमाग में आ जाएगा, वर्ड लिमिट भी आ जाएगा, टेंस भी आ जाएगा, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको करने के बाद भले आप दो चार रट लेना, मना नहीं कर रहा, क्योंकि परीक्षा का युद्ध है, उसके लिए आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन जो वास्तव में ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल तैयारी है, वो भी आप थोड़ी सी करके देख लिया करो, एक आध लेटर लिख के देख लिया, एक रिपोर्ट लिख के देख ली, उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि मेरा फॉर्मेट सही आ रहा नहीं आ रहा है, वर्ड लिमिट मतलब काबू में बेकाबू हो रही है, जो भी चीज़ है, जो मतलब कुछ भी है, तो ये आप करके जरूर देख लेना। मतलब ये अंतिम अंदर से निकल रही है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने दवाई लिख दी और हाँ थोड़ा रेस्ट करना, तो अगर उसने रेस्ट बोला है तो उसमें कुछ दम है, ये परहेज करना दम है, कि दवाई टाइम पे लेना दम है, ये सब कुछ बता दिया, लेटर लिख के देखो इस बात में दम है, मतलब जोर दे रहा हूँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है ग्रामर पॉइंट, ठीक है, और अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, मेरा सबसे प्रिय सेक्शन, किसी भी टीचर का सबसे प्रिय सेक्शन। और सबसे बड़ी बात बताऊं, माना ये चार पार्ट है, इनमें कोई चांदी है, कोई लोहा है, कोई पीतल है, कोई सोना है, तो फिर ये गोल्ड है, ये सोना है, ये घी है, ये सबसे रेयर, मतलब सबसे अद्भुत चीज़ है, सबसे टीचर की प्रिय चीज़ है, जिसमें अगर आपके फुल मार्क्स आ गए तो फिर आपको 90+ जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए
सबसे ज्यादा वर्क करो इस पे। इन चीजों में थोड़ा थोड़ा पोल है, मतलब अनसीन पैसेज में नंबर मिल ही जाते हैं, कमती बढ़ती मतलब मिल जाते हैं, और राइटिंग सेक्शन में सबको नंबर मिलते हैं, फॉर्मेट अच्छा है, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस सही है, वर्ड लिमिट का आपने ध्यान रखा है, आपने खुद से थोड़ी इंग्लिश बनाने की कोशिश की, आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में अगर आधा अधूरा आधे नंबर मिल जाएंगे, सब कुछ चलता है। लेकिन ग्रामर सेक्शन में अगर आपका सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, इसमें ऐसा नहीं आधा मिल गया पूरा मिल गया। और ध्यान रखना, जो बच्चा ग्रामर सेक्शन में पूरे नंबर ले आया वो 90 प्लस ही जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो देखो अब चूंकि वीडियो सब स्टूडेंट के लिए है, एवरेज भी देख रहे हैं और सबकी सब देख रहे हैं इसको, तो हर टॉपिक के, जैसे माना आपके आपके सिलेबस में नरेशन है, मॉडल्स है, पैसिव वॉइस है, तो इनके बेसिक रूल क्या है, सबसे बेसिक रूल क्या है। अब जैसे पैसे वर्स की बात करें तो बेसिक रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट शुरू होगी, ये आपके दिमाग में हर समय रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भूल गए। थर्ड फॉर्म आती है, फिर टेंस के अनुसार, मतलब प्रेजेंट डिप टेंस है तो इजेमर आएगा, पास्ट में वाजवर आएगा, हैज है परफेक्ट टेंस तो बीन आएगा। ये लिस्ट, ये रूल्स की लिस्ट आपके दिमाग में बिल्कुल तरोताजा रहनी चाहिए। तो अगर आपके सभी टॉपिक्स के बेसिक बेसिक रूल, जैसे नरेशन है, नरेशन में अगर सिंपल सेंटेंस है तो सेट टू को किसमें बदलेंगे, अगर इंट्रोगेटिव है तो सेट टू को आस्क बदलेंगे, सिंपल में टोल को बदलेंगे, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, मतलब जो भी है वो आपको रूल्स इसके पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कनेक्टिव टू लगता है, ये रूल है, ये बेसिक रूल है। अगर आपने आप दैट लिख दिया तो बस खराब, टीचर का दिमाग खराब हो जाएगा। ध्यान रखना ग्रामर के रूल्स आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, अब देखो अब जैसे नरेशन है, इसमें बारीकी है, एडवांस लेवल तक बहुत सारा है, लेकिन आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो लेवल क्या है भाई, दो आए, एक तो अफर्मेटिव आ गया मतलब सिंपल आ गया, एक इंट्रोगेटिव आ गया या फिर एक इंपरेटिव आ गया। तो प्रीवियस ईयर के जब आप सॉल्यूशन देख लेते हो ना, आप किसी भी क्लास में हो तो आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक तो बहुत बड़ा है पर एग्जाम का लेवल क्या है, उसमें से लगभग किस तरह के आते हैं, मतलब नरेशन किस तरह के आएंगे, पैसिव वॉइस लगभग किस किस टेंस में से ज्यादा आती है, तो वो आप देख लिया करो। और इसका जो की पॉइंट है वो वही है जो इनमें था, यानी कि आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज हल करो, आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करने हैं, मतलब थोड़ा देख लेना कि इस लेवल के आते हैं, उस लेवल में थोड़ी कमांड बना लेना। ये चीज सबसे जरूरी है, मतलब टीचर ने लिखा दिया कॉपी में, आप रूल्स को पढ़ रहे हो, बस पढ़े हुए हो, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मतलब नेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, जैसे कि आपने अभी माना कि ये नरेशन है, इसके रूल्स पढ़ लिए, टीचर ने जो कॉपी में लिखवाया वो रूल्स पढ़ लिए। अब देखो मेरे कहने से गूगल पे जाओ, गूगल पे नरेशन एक्सरसाइज, नरेशन ऐसे डाल दो, और हाँ आपकी जो क्लास हो क्लास डाल देना, क्योंकि उसी लेवल के फिर आपको एक्सरसाइज आ जाएंगे, 10-20-30 करके देखना, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा, कमांड हो जाएगी, नंबर नहीं कटेंगे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा किया करो। तो ग्रामर तो सोना है, ग्रामर तो घी है, इस पर तो अभी सिंथेटिस है, सिंथेसिस में सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं, थोड़ा सा गूगल पे भी जाया करो, अपने टीचर टीचर के भरोसे मत रहना, गूगल पे जाना कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनको चेंज कैसे करते हैं, ये बनते कैसे हैं, क्लॉजेज है, दो होते हैं, मैन क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज, सबॉर्डिनेट कंजक्शन कौन से, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से, तो ये सारी, मतलब आप ऐसे किसी एक गाइड पे, एक टीचर पे डिपेंड मत रहा करो। ये वीडियो देखा, थोड़ा सा उत्सुक करियस यार, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर फुल सॉल्यूशन लो, फिर देखना मजा आ जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे। और भैया बुक्स का तो मैं एक ही बता रहा हूँ कि बुक्स में हर लेसन की आपको एग्जाम्पल, ठीक ही हो गया, हर लेसन की आपको समरी पता होनी चाहिए कि उस लेसन में क्या है। उसके अलावा देखो मुझे पता है तुम क्या करते हो, तुम पूरी साले फिर कितनी बार बोल दी इसी बात के जुगाड़ में रहते हो कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, कौन सा आएगा, पता लग जाए तो मौज हो जाए। भैया किसी को नहीं पता, अगर मैं यूट्यूब पर देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे ऐसी वीडियो बनाते, छप गया, आ गया, बस इसमें से आएगा, मुझे मिल गया, उनके चक्कर मत पड़ना। रियलिटी यह है कि क्वेश्चन कहीं से आ सकता, हाँ इसमें वीडियो बनाया कि क्वेश्चन लगभग, जैसे चैप्टर बहुत बड़ा है पर क्वेश्चन लगभग किन किन बातों में से निकलता है, इसका भी आप गैस लगा सकते हो, क्योंकि हर बात इंपॉर्टेंट नहीं होती, जहां से टर्निंग पॉइंट होते हैं कहानी में, जो दमदार बातें होती है ना, क्वेश्चन वहीं से निकलते हैं। तो ये अच्छा, ये चीज होगी कब, जो आप इन चीजों पर खुद काम करोगे, तो सारे लेसन की समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और समरी के अंदर हमेशा टर्निंग पॉइंट होते हैं, समरी के अंदर हमेशा वो बातें शामिल होती है जहां से क्वेश्चन निकलते हैं। दूसरी बात, इसका जो की पॉइंट है वो मैं आपको लिख देता हूं, इसका की पॉइंट ये है कि आप जो समरी है ना, जो हिंदी में आपके दिमाग में है, उसको अपने शब्दों में राइट करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, टेंस का ध्यान रखना। वैसे ज़्यादातर जो अपने ये बुक्स है ना, इनमें पास्ट के लेसन है, स्टोरी वगैरह होती है, तो पास्ट टेंस का ज़्यादा यूज होता है, कोई अगर ऐसे टाइप का कोई है तो वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पास्ट। तो आपको टेंस को कमांड में रखते हुए अपने शब्दों में किसी समरी को राइट करना है, ऐसा करके तुम्हारे अंदर राइटिंग स्किल आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई क्वेश्चन आपके मन का असर ना आया, जो आपने नहीं रटा था ना, उसको आप लिख के आ सकते हो, अगर समरी आपके दिमाग में है उसको आप अपने शब्दों में राइट कर सकते हो, टेंस का ध्यान रखते हुए, थोड़ी ग्रामर। अब देखो, राजा ने 100 बाघ मारे, द किंग किल्ड 100 टाइगर, ठीक है, किल्ड सेकंड फॉर्म आई, आप आंसर में लिख रहे हो किल्स, मारता है,
अब थोड़ी मारता यार, बहुत पहले मार रहे थे। तो ये टेंस की कमांडिंग है, ये ग्रामर की कमांडिंग है। और आप जब इन चीज़ों को काम करोगे ना, तो ये आपके अंदर, मेरे पास ठेका नहीं है, टीचरों के पास नहीं, तुम्हारे अंदर सॉफ्टवेयर में भी है रखी हुई चीज़ें, जो खुद हमारा दिमाग बताएगा अरे गलती मत करे, पहुंचो तो सही उस जगह तक, उस स्टेज तक, हमेशा रटने के चक्कर में क्यों रहते हो। तो कहने का मतलब है आपको ये जो सेक्शन है ना, इसमें थोड़ा सा राइटिंग करते हुए, मतलब कोई आंसर है ज़्यादा टफ है उसको वैसा लपेट लो यार, मतलब थोड़ा रट्टा मार लो, लिख के याद कर लो, लेकिन समझ आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब आप इनकी तैयारी इस तरह से करो कि एग्जाम में गए और किसी चैप्टर में से, पहली बात तो किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, और किसी चैप्टर में से कैसा भी क्वेश्चन आए आपको लपेट के आना है, मतलब लिख के आना है। और वो आप कब कर सकते हो, जब आप खुद लिखना जानते हो, तो थोड़ा लिखने पर कोशिश किया करो, मतलब किसी चैप्टर को खुद से पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चन को रीड करो, केवल रीड करने के बाद तुम उसको लपेट के आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सॉफ्टवेयर बन गया है, क्योंकि तुमने कुछ लिखा है, तुम अपने शब्दों में लिखते हो, तुम थोड़ा ग्रामर का ध्यान रखते हो, तुम समरी वगैरह लिख रहे हो। कहने का मतलब है लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस ही आपकी इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर लाने का मूल मंत्र है। जितना आप रटने के चक्कर में रहोगे एवरेज रह जाओगे, फिर दो साल बाद आप मुझे कॉल करोगे सर टेंथ और ट्वेल्थ मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरी इंग्लिश वीक है, तेरी वीक क्यों रह गई। यहाँ पे देखो आपको रीडिंग के बारे में चर्चा हो रही है, राइटिंग आपको लिखना सिखाया जा रहा है, आपको ग्रामर पे काम करवाया जा रहा है, बुक्स के माध्यम से आप पढ़ रहे हो चीज़ों को, लिटरेचर पढ़ रहे हो, इतनी सारी समझ ला करके भी आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखे, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ रटने पर ध्यान दिया था। तो थोड़े क्रिएटिव बनो, रफ कॉपी भरो, लिखो, टेंस पे काम करो, ध्यान रखो सेंटेंस जो बन रहा है उसमें कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक आ रही है। तो इसका जो हमारे बुक्स वाले पार्ट का जो की है ना, वो है राइट आंसर्स। आंसर्स को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, और जो टफ वर्ड है, जो कुछ वोकैबुलरी आती है, उन पर अलग से काम कर लो, कि भाई इस चैप्टर में ये थोड़े से टफ वर्ड है, उनको लिख लिख के देख लो। तो थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस करो, हर पार्ट की समरी हिंदी में तो कम से कम दिमाग होनी चाहिए, इंग्लिश आपको लिखना आना चाहिए, उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए टेंस का ध्यान रखते हुए। तो भैया ये था वीडियो, ये थी तैयारी, ये थे चार सेक्शन। सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना, जिस पर आपको काम करना है वो ये है, यानी इसमें आपको नंबर नहीं कटने देने हैं, इनमें एवरेज मार्किंग चलती है, आपका फॉर्मेट अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छी है, शब्द सीमा का ध्यान रखा है, और थोड़ा ठीक है मैटर, आपको पूरे नंबर दे सकता है। अनसीन पैसेज में अगर आपने फैक्चुअल आंसर दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, प्रोनाउन को चेंज किया है, प्रोनाउन को चेंज का मतलब ऐसा नहीं घुसाली दिमाग में, अच्छा प्रोनाउन तो मुझे चेंज करनी है सर, नहीं, अरे वो अगर पैसेज ऐसा आया जिसमें नेटर आई आई करके बोल रहा है तब की बात है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, आपको पता है वीडियो से बहुत दम होता है, मैं दिल से पढ़ाता हूं, मतलब जो मैंने पढ़ाया ना वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और ऐसा नहीं बहुत बार 100 नंबर दिलवाए, 99 दिलवाए, क्यों दिलवाए, क्योंकि मैं वास्तव में राइट पे फोकस करता हूँ, मैं वास्तव में एग्जाम्पल पे फोकस करता हूँ, क्योंकि वास्तव में लिख के देखो भी फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में कहता हूँ 4-5 अंश पे सॉल्व कर दो, ये जड़ चीज़ है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक नहीं सबसे जरूरी चीज़ यही है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, यदि चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।